सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित ये जो जन संलाभ सामने दिख रहा है, मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोग कहते तो है कि ओवैसी साहब और MIM पार्टी एक BJP बी टीम है, तो आज ये जन सैलाब देखने के बाद हमको एक दिल में एक ऐसा उमंग, एक जोश उत्पन्न हो रहा है देखने के बाद कि ये BJP बी टीम नहीं, लोगों के दिल में जो BJP बी टीम का एक डर सता रहा है वो सिर्फ ये डर है कि 80 बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग जो एक हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बातों को सुनकर, उनके विचारों को सुनकर, उसका डर इनके मन में कहीं ना कहीं बहुत बेखूबी दिल में छुप गया है डर कि ऐसा ना हो 80 और बैकवर्ड असदुद्दीन ओवैसी के साथ चला जाए और हमारा जो राजपाट चल रहा है पिछले 75 सालों से, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, और वो जो मजा हम मार रहे हैं चंद दिनों की बात है, ये बस बैकवर्ड और SC अगर कहीं जुड़ गया असदुद्दीन ओवैसी के साथ तो हमारा राजपाट खत्म हो गया। इसी डर से वही BJP RSS वाले हमको आपको गुमराह कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि SC और बैकवर्ड कम से कम ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ ना जुड़े। आज मैं प्रतापगढ़ की धरती से चल के आया हूँ, हमारे पूर्वांचल प्रभारी इसरार अहमद, जिला अध्यक्ष सलीम अंसारी जी पूर्वांचल प्रभारी और उत्तर प्रदेश महासचिव भी हैं, हमारे साथ 50 गाड़ियों का काफिला आया है जिसमें सिर्फ दलित वंचित और बैकवर्ड समाज प्लस माइनॉरिटी के लोग हैं। ये एक इतिहास है, इसलिए हमको आपको सबसे पहले उस जनता का धन्यवाद देना पड़ेगा जो कम से कम 60 किलोमीटर से चल के यहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के शब्दों को सुनने के लिए आया है। तो ये कहीं ना कहीं से एक हम लोग को संदेश जाता है कि ये गलत धारणा है जो लोग कहते हैं कि SC बैकवर्ड वो भाजपा का वोटर है ना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का। आज मैं शिवगढ़ ब्लॉक द्वितीय शिवगढ़ से वार्ड नंबर 53 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़के आया हूँ। जनरल सीट थी, वहां पे सामंतवादी सीट थी, मनवादी व्यवस्था थी। आज 30 सालों में कभी कोई दलित समाज का व्यक्ति पर्चा दाखिल तक वहां नहीं कर पाया, और मैंने उसी दलित समाज से उठ के 8,500 मतों से SC बैकवर्डों को इनवाइट कर एक करके मैं वहां सामंतवादियों को हरा के आप लोग के बीच में आया हूं। तो आज मैं आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आप लोगों ने साथ दिया, BJP का जो तय चल रहा है लोग बदनाम कर रहे हैं, इस बदनामी के हमको आपको एकजुट होकर बिगुल बजाना पड़ेगा। वो लोग कह रहे हैं जो RSS के दलाल हैं, भाजपा के दलाल हैं, वो लोग इस चीज को उठा रहे हैं कि ये BJP टीम है। तो हम लोग को अपने लोगों को अपने भाइयों में बताना है कि BJP असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM पार्टी नहीं है, ये समाजवादी है, बसपा है, जो उनके साथ चाय कॉफी डिनर कर रही है और हमको वोट लेने के लिए हमारे भाई को गुमराह करके वोट ले लिया जाता है। लिहाजा हम लोग को एक होना पड़ेगा, ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो दिन दूर रहे जब हम लोगों के हाथों में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सौजन्य से होगा, प्रदेश में भी हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सौजन्य से होगा। इसलिए आप लोग सब वो एक हो जाइए, हमारा जो दलित आया है सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए आया है असदुद्दीन ओवैसी की बातों को। कहीं ना कहीं से सारा SC समाज जुड़ रहा है, दलित समाज जुड़ रहा है, बैकवर्ड जुड़ रहा है, BJP का टैग हमको आपको खत्म कर रहा है। जय भीम, जय भीम, जय भारत।